पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब आस्था का सैलाब इस तरफ उमड़ने लगा है कि देखिए कई जगह पर इस बार दरभंगा में धूमधाम के साथ चैती दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। खराजपुर गांव में है, देखिए किस तरह पंडालों के निर्माण के साथ यहां पर पूजा अर्चना होता है। ये कहा जाता है पंडितों का गांव है, जहां पंडितों का गांव होता है वहां की जो पूजा अर्चना होती है वो काफी महत्वपूर्ण है। पूरे धार्मिक संस्कार धार्मिक अनुष्ठान के साथ होते हैं और ये छठा वर्ष है, छठा वर्ष यहाँ पूजा का है। और हम बता दें यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह इस मैनेजमेंट के कंधों पर जिम्मेवारी है कि शांति पूर्वक पूजा को कराने के लिए। तो ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सभी जिनके जिम्मेवारी है कि किस तरह करीब 100 से ज्यादा वॉलेंटियर्स हैं जिनकी अलग अलग 5 ग्रुपों में बैठ कर जिम्मेवारी दी गई है। और यहाँ जो पूजा हो रही है, आइए हम आपको सीधा दिखाते हैं मंदिर में, जहाँ पंडित अपनी अपनी धार्मिक संस्कार के साथ जो अनुष्ठान पूजा किया जा रहे हैं। और हम बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि जो भगवान शिव की जो शिवलिंग है उस पर क्या रुद्राभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है जी। ये आज के दिन किया जा रहा है, प्रथम दिन से लेके अभी तक, एक दिन के बाद से अभी तक, कल तक होता रहेगा, आज तक नौमी तक प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक होता है। जी जी, पूजा हुआ दुर्गा जी के, उसका प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? रुद्राभिषेक का महादेव शिव जब बेहोश हो गए थे उन पर जो उनको दूध या ही देखे, जब उनको ये हो गया था विष पान के बाद, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व है। कभी दूध से, कभी कुसियार के रस से, कभी भांग से, कभी दूसरे गंगा जल से, हर दिन तिथि के अनुसार बदल बदल के उनका अभिषेक किया जाता है। तो बता दें रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, और हम बता दें और ये रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? आते हैं उधर से, हम बता दें कि पंडित जी लोग रहेंगे बात करेंगे, लेकिन हम बता दें कि ये देखिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए जो चैती दुर्गा पूजा है इसका विशेष महत्व है। आइए हम आपको दर्शन भी कराते हैं, अगर घर बैठे हैं तो घर बैठे भी आप माँ का दर्शन कर सकते हैं। और ये बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण होता है जब धार्मिक अनुष्ठान करने में और इसको किस तरह संपन्न कराया जाता है, इसे लेकर के देखिए आप माँ का दर्शन कर लीजिए। आज नौमी है, नौमी तारीख में आज हम बता दें कि आज यहाँ पर जैसे रुद्राभिषेक हो रहा है, फिर हम बता दें कि आज होम होगा, आज शाम 4 बजे से लेकर के रात्रि 8:30 बजे तक होम का आयोजन किया जाएगा। इस होम के बाद देखिये माँ दुर्गा का जो है सो विगत किस तरह 9 दिनों से पूरे ग्रामीण वासी एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत शांति पूर्वक श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शाम में भागवत कथा का भी आयोजन होता है, लेकिन ये जो पूजा है और आस्था है ये बताता है कि सबों के अंदर एक मानवता, एक नैतिकता, ईमानदारी होनी चाहिए, एक आपस में मेल होना चाहिए, समाज कैसे विकास करे, परिवार कैसे विकास करे, शांति कैसे समाज में बना रहे, जो विनाशकारी तत्व है उसका कैसे उस पर रोक लगे, इस तरह के बातों को सिखाया भी जाता है। तो आज बता दें कि खराजपुर गांव में माँ दुर्गा का भी आपने दर्शन किया, यहाँ जो पूजा कमेटी के सदस्य हैं, ये कब से हो रहा है ये खोचा भरने का? कल से। कब तक चलेगा? आज 4 बजे शाम तक जी। तो देखिए यहाँ पर खोइचा भरने की जो परंपरा है, यहाँ पर महिलाएं लगातार सप्तमी के बाद, कहा जाता है कि अष्टमी सबसे अच्छा दिन होता है खोइचा भरने के लिए, और नौमी को भी खोइचा भरा जाता है। नौमी को देखिए किस तरह यहाँ खोइचा भरा गया है, और ये जो परंपरा है ये समझिए ये इसका काफी महत्व है, धार्मिक आस्था से भी महत्व है। हर परिवार के लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने आते हैं, खोइचा भी भरते हैं, और खासकर बता दें कि सब शांति के लिए ये किया जाता है। तो हम बता दें कि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और खराजपुर ही नहीं बल्कि खराजपुर के आसपास के जितने गांव के लोग हैं वो सभी शांति पूर्वक पूजा संपन्न कराने के में लगे हुए हैं। खासकर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इस तरह जो पूजा अर्चना होता है उसका विशेष महत्व भी है। तो हम बता दें कि हम जो अभी देखे जैसे ये लोग पूरी तरह देखे कितने पाठ कर रहे हैं, ये लोग लगातार रुद्राभिषेक एक तरफ हो रहा है, ये पाठ हो रहा है। और जो ये खराजपुर जो पंडितों का गांव होता है
उसके हिसाब से सब काम किया जाता है और शांतिपूर्वक इसको संपन्न कराने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। तो हम बता दें लगातार इसका विशेष महत्व होता है और आप जो देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर हमारे समाज के लिए ये एक नया संदेश जाता है। यहाँ बता दें कि कमेटी के आज क्या क्या कर, सबसे पहले मैं खराजपुर पंचायत वासियों को रामनवमी का हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज का प्रोग्राम है जो आज मंदिर परिसर में दुर्गा जी का हवन कार्यक्रम है 3 बजे से, उसके बाद शाम में जो 9 दिन से भागवत कथा चल रही है उसका आयोजन शाम में होगा। आज लास्ट आयोजन है। तो आज ये 9 दिन का जो चला इस तरह इसको आयोजित किया गया, क्या लगा इसमें? यहाँ पर मैं जो है सो मतलब 9 दिन से जो है सो मतलब पहले ही से हम लोग 1 महीना पहले ही से इस आयोजन का जो है सो पूरा गांव मिलकर के, पूरा समाज मिलकर के, पूरा गांव का नवयुवक मिलकर के जो है सो मतलब इस आयोजन को जो है सो कैसे होगा सो हम लोग जो है सो मतलब किए। उसके बाद में सो ये जो है सो मतलब शुरुआत हुआ। आज जो है सो 9वां दिन है। 9वां दिन जो है सो मतलब पूरा गांव का जो है सो मतलब यह है जो पूजा जो है सो सही सलामत हुआ और भागवत कथा भी जो है सो मतलब सही ढंग से हुआ, पूरा जो है सो समाज के लोग यहां आए और सुने। लेकिन यहां जो है सो आज तो है भगवती का जो है सो होम होगा 3 बजे और विसर्जन जो है सो मतलब कल होगा। लेकिन यहाँ महादेव स्थान जो है और भगवती का जो है सो मतलब यहाँ फोटो ही रहते हैं, मतलब कल से रहेंगे। लेकिन पूरा गांव का जो है सो मतलब यहाँ ये जो है जो प्रतिदिन पूजा होती है, प्रत्येक 12वां मास 36 दिन पूजा होता है। ये कि अंतिम ये 9 दिन अब आपको क्या करना है? अब सिर्फ होम करना बाकी है। कल विसर्जन होगा, विसर्जन के बाद कल भसान 4 बजे से हम लोग भगवती को ले जा करके भसावेंगे विजया टोला पर। तो लगा कि पूरी तरह इस बार शांतिपूर्ण सब अरेंजमेंट हुआ? कोरोना के बाद इस बार जितना उल्लास से पूजा हुआ है आज तक कोरोना के बाद इतना उल्लास के बाद पूजा नहीं हुआ था। तो चलिए धन्यवाद। और आपको हम दिखाएंगे कि देखिए गांव में भी किस तरह मेला का आयोजन किया जाता है। और हम बता दें कि वो आपको हम दिखा गए कि ये छोटे जगह पे भी यहाँ मेला लगता है, छोटे छोटे जगह पर भी। देखिए गांव में भी क्या लगता है, बिक्री हुआ? हाँ बहुत बढ़िया बिक्री हुआ यहाँ। हाँ बहुत अच्छा। कब से चार दिन बिक्री हुआ? हाँ। तो चलिए देखिए छोटे जगह पर भी अगर इस तरह मेला का दृश्य आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर जलेबी के इसके सबके दुकान यहाँ पर है, क्या लगता है बिक्री हुआ इस बार? जी जी जी। तो क्या कर दे, जलेबी जलेबी लड्डू दोनों? देखे यहाँ पर किस तरह जलेबी का भी है। ये गांव में अगर इस तरह का मेला लगे, देखे हर चीज है यहाँ। देखे जो बच्चों के खिलौना से लेकर के महिलाओं की सुंदर सामग्री, इसके अलावा पूजा का भी सामान रखा हुआ है। यहाँ हर एक चीज उपलब्ध कराई गई है ताकि पूजा में किसी को कोई परेशानी ना हो। पूजा के सामान देखे नारियल, यहाँ नारियल भी रखा गया है, नारियल पान का। इसके अलावा माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए जो खोइचा, ये क्या क्या रखे हैं? यही सिंगार वाला सामान है, या चुनरी है, यही सब है। 500 पारी यही सब। कहाँ से आए हैं? पंडा सराय से। अच्छा, लगा बिका आपका सामान? हाँ बिका है। बिक्री हुआ? हाँ हुआ है, जितना अपेक्षा किए थे। हाँ हाँ बिकता ही है, उनका देन है, सब तो उन्हीं का देन है। खुश है? हाँ खुश है। पूजा के सारे सामान जैसे चुनरी हुआ सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जो दुकानें खुली है मिठाई की, यहाँ समोसा, उसके अलावा हम बता दें चाट, फिर बर्गर, और आपको बता दें कि समोसा के साथ मोमो सभी की दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह जो लगाया जाता है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि इस बार जो बिक्री हुई, मतलब संतुष्ट, कितने दिन लगाया दुकान? यहाँ करीब 1 सप्ताह से दुकान लगा हुआ है। हाँ। क्या लगा बिक्री हुई है? हाँ, इस हर साल से के अपेक्षा से इस बार थोड़ा ठीक रहा। कोरोना संक्रमण के कारण नहीं लगा था उस समय, तो
नहीं हुआ, उसके हिसाब से इस बार बहुत अच्छा। किस किस चीज की बिक्री ज्यादा हुई? चौमिन, चाट, मोमो, हाँ सारे चीज का। तो देखे यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, देखे ये समोसा देख रहे हैं, उसके बाद जलेबी देख रहे हैं, इसके बाद चाट है, और फिर हम आपको बता दें कि ये अलग अलग मोमोज हो गए, चौमिन, ये सभी है। लेकिन गांव के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा मेला का महत्व है वो हम बता दें कुछ होता है, तो वो होता है झिल्ली और कचरी, ये बता दें ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये होता है। ये देखिए ये झिल्ली है जो काफी फेमस होता है ग्रामीण में, कहीं भी अगर मेला लगे तो कहा जाता है इसके बिना मेला अधूरा होता है। ये देखिए झिल्ली है, ये देखिए कचरी है, ये सभी की बिका है, नहीं भी क्या है, बता दें कि अब जो परंपरा है इससे जो चौमिन मैगी सब खाने की परंपरा बढ़ गई है, इससे जो परंपरागत जो होता है मेला का वो अब खत्म हो गया। क्या क्या बोले, क्या चलवे ने कहते तो कोती कुछ का बात है, कहाँ से आए? खड़ा ये तेलियावन से। तो हम बता दें, देखिए निश्चित तौर पर निराशा भी होती है, जो लोग इतना इंतजार करते हैं पूजा के लिए और पूजा के समय दुकान लगता है और दुकान में अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो व्यवसायिक नुकसान कहा जाता है, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के लिए यहाँ पर जो अच्छी तादाद अगर देखें हर तरह का दुकान यहाँ साथ साथ कर तैयार है, और यही एक उद्देश्य होता है पूजा का। तो हम बता दें कि लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, आज नवमी है, आज भागवत कथा का अंतिम दिन है, आज हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसके बाद आज भागवत कथा का समापन होगा, कल यहाँ पर विसर्जन होगा, विसर्जन के बाद सभी यहाँ शांति पूर्वक फिर अगले साल किस तरह पूजा हो इसकी तैयारी की समीक्षा करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, धन्यवाद।